ये कैमरा पा रहा है। ऑन हुआ। हेलो, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? स्पेशल संडे में स्पेशल पकौड़ी आलू की। और बताओ कैसे हो? तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की पकौड़ी और बैंगन की। बैंगन की तो मेरी बन चुकी है, आप बताओ। और ये देखिए, आलू को मैंने कट किया है बस, और बेसन में घोल में तैयार डाल दिया है। तो इससे मुझे क्या होगा, जल्दी जल्दी से मुझसे आसान रहेगा और पकौड़ी बनाने में। तो मैं आपको खिलाती हूँ आप बेसन की पकौड़ी, मतलब आलू की पकौड़ी। बेसन से तो बनती है यार, ठंडी में कुछ भी बोल रहे हैं, ठंडी में होता नहीं। कहते हैं जीभ ना इधर उधर बहक जाती है, क्या कह रहे, इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है तो जीभ को बहकना तो छोटी सी बात है। तो मैंने जितने भी आलू यहाँ पे कट किया था सारा हमने डिप कर लिया बेसन में फिर से। ये देखिए मैंने डिप कर लिया है, और स्पेशल संडे मैंने सोचा कि स्पेशल संडे बनाते हैं पकौड़ी से। तो अभी स्पेशल संडे में क्या है, सबसे ज़्यादा जो स्पेशल है वो है कपड़ा वॉश करना, और मैंने ही अपने बालों को वॉश कर लिया है। तो उसको पानी अंदाजना है, उसमें पानी भी कम है कपड़े की ज़रूरत के हिसाब से, तो इसलिए मशीन के चक्कर रहने दो, मैं आऊँगी तभी देखूँगी। ले लो ये आलू की पकौड़ी तली हुई, ले जाओ खाओ। तो बच्चों को दे दे रही हूँ, हस्बैंड भी खा रहे हैं, और लेट बहुत हो चुकी हूँ तो बड़ा ही अजीब लगता है इस तरह से कि लेट होने के बाद खाने में लेट हो जाते हैं, तो फिर सो के जगते हैं तो लेट हो जाते हैं। तो फिर थोड़ी सी गलती जो है हमारे बहुत ही भारी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक राउंड जो है डाल दिया है, और आलू का और बैंगन पका बना रही थी, तो हाथ मेरा देखिए सना हुआ है, और इसके वजह से कैमरे को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, या तो फिर ट्राइपॉड का सहारा ले, चूँकि श्रेया मेरे हेल्प करी है कुछ काम थोड़ा सा। अभी तो मैं तो श्रेया को गिरा ही देती और पानी निकाल रही थी वो, और मेरे से धक्का लग गया जब तक वो लेके जा रही अपने पापा के लिए। और मैं यहाँ पे पकौड़ी बहुत ही स्लो मोशन में खा रही हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। आप स्लो बताइए, देखिए हाई फ्लेम में आप पका लो और फिर गलत तरीके से पके, बीच में ना पका, तो कोई मतलब नहीं होता है उस चीज़ को करने से, मुझे नहीं लगता है। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ और रखा है, मिर्च है। मिर्च मैंने धुल के साफ करके सब कुछ कर रखा था, तो इसमें पॉलीथीन में ऐसे बंद पड़ा था, तो इसकी वजह से मिर्च जो है थोड़ा सा सूख रहा है, इसको हमें चेक कर लेना है। और दो तीन काम ऐसे हैं जो किचन में ही छोटे मोटे हैं, उसको समेट लेना है। खाली दो जल्दी तुम्हें भी दे दे। तुम ले लेना चाहे पापा ले लेना। और मैं हस्बैंड को भेज दी हूँ, और अभी लेके ग्रीन ग्रीन से टमाटर और आम की चटनी बनाई हूँ। और इस सीजन में सोचेंगे कि आम कहाँ से मिलेगा ना, दिसंबर में आम। मेरे हस्बैंड बाहर से घूम के आए हैं चेन्नई से, तो वहाँ उधर कहीं पे जहाँ मिला रहा हो वहाँ से लेके आए हैं। श्रेया के भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी तो अच्छा लगता है, लेकिन सीजन के अलावा, जैसे कि अभी सीजन नहीं चल रहा है, उसके बाद आम मिलना दिसंबर के महीने में बड़ी सोचने वाली बात है ना। तो इस समय आप और मिलने को आम मिल जाएगा, लेकिन कच्चा नहीं मिलेगा। अभी मार्केट में आप जाइए, फल वाले भैया आपको आम देंगे जरूर। मैं भी आज की बना दूँगा। तो जरूरी है, कंपलसरी है प्याज की बेटे, पापा को खानी है। तो इसमें अभी डाले हैं, पहले इसको डाल दो, फिर बेसन का घोल तैयार करना होगा ना, फिर अलग से।
इसको निकाल दो, तो इसको हम बना देंगे तो बना देंगे, दे देंगे जितना कटा हुआ है उतना ही और ज्यादा। तुम्हें को दे दो। तो मैं खाने जा रही हूँ क्या, मैं निकाल दू, तुम ले जाओ अभी इधर ही फैला, फिर मुझे गिरा दोगी। नहीं गिराऊंगी, डरो मत, मैं दे रही हूँ, मैं खुद ही दे रही हूँ। मुझे तो मांग रही हूँ टमाटो सॉस विथ चिली सॉस। अभी रुक जाओ, चिली सॉस नहीं है अभी, हम इसको पहले डाल दें, नहीं तो और हाँ, चिली सॉस उस दिन थोड़ा सा था उसको मैंने वो कर लिया, डाल दे तब। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, कढ़ाई में डाल देता पकता रहता, हाथ धो देते तब जाके थोड़ा सा दिमाग जो है फ्री होता है। तो फाइनली अभी दो बार इसको आलू के पकौड़े जो है मुझे तलना होगा दो बार। ऑनर में है उसको मुझे लेना पड़ेगा प्यार, तो तुम लो और मैं जाके दिखती बच्ची। हाँ बहू तू हूँ, हूँ तो है ही, अब इसमें तो मेरा कोई बस था नहीं कि मैं बड़ी हो जाती। तो मैंने ये हाइट के लिए नहीं बोला, निकाल लो नहीं तो पीढ़ा लेके आए। और बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ, कपड़े तो ज़्यादा डल गया है लेकिन पानी इसमें कम है, और सिया चलाने की तैयार थी तो इसमें हम पानी डाल देते हैं, फिर वॉशिंग मशीन चला देंगे। क्या देखिए इसमें साबुन नहीं है भाई, साबुन के बिना कपड़ा तो कोई मतलब नहीं है, साबुन इसमें कम है तो मैं वहाँ पे पकौड़े डाली हूँ, यहाँ पे पानी चेक करने आ गई थी और हो सकता है कि पकौड़ी मेरी स्पेशल संडे की पकौड़ी जो है जल गई हो। तो मैं देखिए आ गई हूँ और गैस का फ्लेम थोड़ा सा स्लो है तो इसके वजह से मेरी पकौड़ी बच गई, नहीं तो मुझे लगा था कि ये जल भूंज के राख हो जाएगी। बन्नू एक मिनट इधर आ जाओ, एक मिनट ही। आप सबका स्वागत है। हेलो बीच बीच में सिया कट करके आम रखी थी उसको खा रही हूँ, बीच बीच में मंड को चटकारा कर रही हूँ, खट्टा भी बहुत है। बोल दीदी, तो दिसंबर में जो आम मिला है वो श्रेया के उनके पापा का बहुत फेवरेट है और मेरा भी बीच बीच में खा के मज़ा ही आ जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।